हाय दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। देखो, आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं जो आज हम अंडा बिरयानी बनाने वाले हैं। चलो तो हम शुरू करते हैं बनाना। अब देखो, सबसे पहले हमें एक बर्तन में पानी उबालना है। अब देखो, इस भगोने में हमने 1 लीटर के करीब पानी चढ़ाया है। अब देखो, सबसे पहले हम इसमें कुछ खड़े मसाले गिरते हैं। सबसे पहले 2 तेज़पात गिरते हैं और 2 पीस हम इसमें दालचीनी के डालते हैं और 4 लौंग हैं और 1 हरी इलायची है। और इस पानी को हम अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। पानी ये हमारा अच्छे से उबल चुका है और ये हमने चावल लिए हैं जो हमने इनको 20 मिनट पहले भिगोया है। अब इनको हम बॉईल कर लेते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है, इन चावलों को हमें 90% भी पकाना है और इनको हमें पूरा नहीं पकाना है। 1 स्पून मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। अब इनको हम 1 उबाल दिलवा लेते हैं। देखो, इन चावलों को हमें ज़्यादा नहीं गलाना है और ये चावल हमारे हो चुके हैं। अब इन्हें हम छान लेते हैं। अब बिरयानी बनाने के लिए हमने ये 6 अंडे लिए हैं। अब देखो, इनमें हम कट लगा लेते हैं हर अंडे में। अगर इनमें हम कट नहीं लगाएंगे तो ये तेल में फट सकते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है, सभी अंडों में कट लगाना है। सभी अंडों में मैंने कट लगा लिया है और इसमें मैं मसाले मिक्स करती हूँ। सबसे पहले हल्दी पाउडर डालती हूँ और 1/2 चम्मच नमक डालती हूँ और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालती हूँ, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालती हूँ और इनको मैं आपस में मिक्स करती हूँ। अब देखो, सबसे पहले हम ऑयल डालते हैं और इस ऑयल को अच्छे से पका लेते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और सबसे पहले हम ये प्याज हैं जो इनको हम लाल लाल करके निकाल लेते हैं। अब ये प्याज अच्छे से लाल हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेते किसी बर्तन में और इसी तेल में हम ये अंडों को भी फ्राई कर लेते हैं। अब ये अंडे हैं हमारे जो हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है और इनको हम निकाल लेते हैं। हमारे अंडे फ्राई हो चुके हैं, अब इनकी हम ग्रेवी बना लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ खड़े मसाले डालते हैं, 2 तेज़पात डालते हैं और 1 बड़ी इलायची डालते हैं और ये दालचीनी डालते हैं और 1 चम्मच जीरा डालते हैं और ये लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी इसी में डालते हैं। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालते हैं, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालते हैं और 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर डालते हैं और स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं, 1/2 चम्मच बिरयानी मसाला डालते हैं और इसे अच्छे से भून लेते हैं मसाले को तेल में। और इन मसालों को हमें धीमी आंच से ही भूनना है और हल्का सा पानी डालते हैं, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। देखो, मसाले हमने अच्छे से भून लिए हैं तेल के अंदर। टमाटर का इसमें हम पेस्ट डालते हैं। और ये प्याज है जो हमने पहले से ही लाल लाल करके निकाल ली थी, वो भी हम इसी में डाल के भून लेते हैं।
और थोड़ी हमने बचा के रखी है ऊपर से डालेंगे और थोड़ी हम इसमें डाल के भून लेते हैं। कुछ हरी मिर्चें हैं जो हमने लंबी लंबी काटी हैं, वो भी हम इसी में डाल के भून लेते हैं। अब देखो मसाले को हमने अच्छी तरह भून लिया है, हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है और इसमें हम दही ऐड करते हैं और इसको हमें बराबर चलाते रहना है। अब देखो दही के साथ भी हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है और कुछ हम धनिया पत्ता डालते हैं। अब देखो हमारी ग्रेवी अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है और इसमें हम ये अंडे डालते हैं। हम इस पे चावल की लेयर लगाते हैं। अब देखो हमने चावल की लेयर अच्छे से लगा ली है। अब देखो एक छोटी कटोरी हम देसी घी डालते हैं और ये फ्राई हुई प्याज डालते हैं और ऊपर से ये हरी मिर्च है जो लंबी लंबी काटी है ये डालते हैं और ये धनिया है जो हरा छोटा छोटा काटा है वो भी हम इसी में डालते हैं। थोड़ा हम इसमें नींबू का रस डालते हैं और कुछ नींबू हम इसके साइड में लगाते हैं, इससे हमारा फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। अब देखो थोड़ा हम इसमें बिरयानी कलर डालते हैं अब देखो कुछ देर हम 10 मिनट के लिए हम इसको ढक के पकाते हैं और कोई भी हम भारी बर्तन इसके ऊपर रखते हैं हमें अपनी बिरयानी को धीमी आंच पे ही पकाना है। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, हम अपनी बिरयानी को देखते हैं और हमारी बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। देखो बिरयानी हमारी बहुत अच्छे से बन चुकी है, अब इसको हम प्लेट में लगा लेते हैं। देखो आज हमने अंडा बिरयानी बनाई है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी बनी हुई है। आप भी अपने घर में बनाना और हमें बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।